जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही आसान एक घरेलू उपाय, एक घरेलू उपचार बताऊंगा, एक ऐसा आसान नुस्खा बताऊंगा कि जिस नुस्खे को कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से कर सकता है। यह वस्तु लगभग हर व्यक्ति के घर में पाई जाती है और इसके कई तांत्रिक प्रयोग हैं और इसमें लगभग हर व्यक्ति को सफलता मिलती है, क्योंकि इसमें कोई अत्यधिक पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह वस्तु स्वयं अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि इसका यदि आप सही से प्रयोग करते हैं तो जिस किसी भी प्रयोजन के लिए आपने इसका उपयोग किया है, बहुत ही आसानी से यह वस्तु उसके रूप में फलदायी होती है। जो भी व्यक्ति इसका सही से प्रयोग करता है उसके घर में अपने आप धन का आगमन शुरू हो जाता है। तो यदि आपके घर में भी धन की खींच पड़ती है, कमी पड़ती है, धन की समस्या रहती है, रुपए पैसे की समस्या रहती है, तो आप इसका उपाय कर सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय है और इस उपाय के जरिए आप आपके घर में जो कोई भी रुपए पैसों टकों की समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में जुड़े हुए कई ऐसे रहस्य हैं, गूढ़ रहस्य हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी इसमें प्रदान करता हूँ। तंत्र मंत्र, टोने टोटके, व्रत त्यौहार, पूजा विधि इत्यादि के बारे में समय समय पर जानकारी देता रहता हूँ। तो यदि आप भी इस तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी हम हमारे चैनल में इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताता हूँ एक ऐसा आसान उपाय, एक ऐसा घरेलू उपचार नुस्खा कि जिसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हर व्यक्ति के घर में लगभग रसोई में ये चीज़ पाई जाती है। अदरक, अदरक का काफ़ी उपयोग होता है तंत्र में। लेकिन इसके पहले मैं एक दो उपाय और इसके बता दूं आपको कि यदि आपके घर में नकारात्मक शक्ति रहती हो या नेगेटिविटी रहती हो, लोगों के मन काम से हट गए हों, पढ़ाई लिखाई से हट गए हों, तो समझना चाहिए कि किसी न किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर गई है। तो आप क्या करें, एक अदरक का पूरा टुकड़ा लें, पूरी गांठ लें और इसको आपके घर की जो मुख्य चौखट है उसमें जब आप किवाड़ या दरवाज़ा बंद करते हैं तो उसमें बाहर की तरफ अपने सीधे हाथ के कोने पर इसको रख दें। ऐसा करने से बाहर से जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करने वाली होगी उसको ये अपने अंदर खींच लेगी। किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी फिर आपके घर में प्रवेश करेगी नहीं, आपके घर में भी जो नेगेटिव एनर्जी होगी उसको भी ये अपनी तरफ खींच लेगी। नित्य इस अदरक के टुकड़े को आप बदल दीजिए। रोज सवेरे टुकड़ा रखिए और जो अगले दिन टुकड़ा रखा था उसको कहीं भी बाहर आप फेंक दीजिए। थोड़े दिन में ही देखेंगे आप कि आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी जो थी वो समाप्त हो चुकी होगी। इसका उपाय एक और करें आप पैसों के लिए ही। अदरक को आपका जो भी घर में पूर्व दिशा पड़ती हो, पूर्व दिशा में एक गमला रखें और उसमें अदरक को डाल दें, अदरक के टुकड़े को रख दें, ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दें और रोज उसमें पानी डालें। ऐसा करने से भी आपके घर में पैसों का आना प्रारंभ हो जाता है। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करता है तो उसके घर में फिर धीरे धीरे पैसों का आना बढ़ जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो इस उपाय को भी आप आजमा सकते हैं। यदि आपके घर में पैसों की किल्लत रहती हो, कमी रहती हो, तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। ये भी सचोट उपाय है, काफ़ी बेहतरीन उपाय है और बहुत ही आसान उपाय है। कोई भी व्यक्ति इसको बड़े ही आसानी से कर सकता है। एक इसका प्रमुख उपाय आज मैं आपको बताता हूँ कि इस उपाय को कर लेंगे तो जब तक ये चीज आपके घर में रहेगी, पीढ़ियों की पीढ़ियां आपकी पैसों टकों में खेलती रहेंगी। आप एक संपूर्ण अदरक का टुकड़ा लें और शुक्रवार के दिन उसको माता लक्ष्मी के पास में रखें, जहाँ कहीं भी आपके पूजा स्थान में माता लक्ष्मी की तस्वीर हो उसके पास में आप इसको रख दें। शुक्रवार के दिन सुबह शाम पूरे दिन में कभी भी आप इसको रख दें और इसको कुमकुम को थोड़ा पानी में डाल करके गीला कर लें, पानी कर लें उसका, और इस अदरक पे पूरे पे आप उसको लगा दें। शुक्रवार से लेके अगले शुक्रवार तक नित्य इस क्रिया को करें, एवरीडे इस क्रिया को करें आप। और जिस समय भी इस क्रिया को करते हैं
आप 11 दफे, 21 दफे, 51 दफे, 101 दफे आप ओम श्रीम श्रीये नमः ये बोलते रहें, जब तक आप लगाएं इसको बोलते रहें ओम श्रीम श्रीये नमः। शायद चाहे 3 बार बोले, 5 बार बोले, जितनी भी बार आप बोल सकें, आप जब भी आप बैठे बोलते रहें। हाँ, इसे लाल एक आसन दे दें, उसके ऊपर आप इस अदरक के टुकड़े को रखें और जितनी देर तक आप गीला कुमकुम लगाते हैं ओम श्रीम श्रीये नमः बोलते रहें। शुक्रवार से लेकर अगले शुक्रवार तक आप इसको रखें, माता लक्ष्मी के सामने रखें। और अगले शुक्रवार को सुबह से शाम तक के बीच में कभी भी, अब ये टुकड़ा पूरी तरीके से अभिमंत्रित हो गया है, इसमें माता की सारी शक्तियाँ उतर चुकी हैं, ये शक्ति का रूप ही हो चुका है, ये एक लक्ष्मी का रूप हो चुका है। अब इसको क्या करें कि इसके अब 2 टुकड़े कर लें। देखिए, काटना नहीं है आपको, आपको इसके 2 टुकड़े करने हैं, 2 भाग में आपको इसको विभाजित करना है। अब इसका जो 1 टुकड़ा है, इसको आप जहाँ कहीं भी अपने घर में पैसे रखते हैं, रुपए टके रखते हैं, या सोना चांदी रखते हैं, या अपने घर के जो कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर से, जहाँ कहीं भी ऐसा है कि आप पैसा टका रखते हैं, नहीं रखते हैं तो कोई ऐसी जगह बना लें कि जहाँ 11 रुपये सिर्फ रख दें। शुरुआत में ये करके देखें, फिर तो अपने आप वो जगह पैसे से आपकी भरने लग जाएगी। वहाँ पर इसको लाल कपड़े में रख दें। अब नित्य क्या करना है, जब आप रखेंगे उसी दिन से, यानी शुक्रवार के दिन से ही, अगले शुक्रवार से ही इस क्रिया को आपको करना है कि प्रतिदिन रोज आपको दोनों ही टुकड़े में बीच में हल्दी का एक टीका, एक तिलक लगाना है। जो माता जी के पास में जो टुकड़ा रखा हुआ है उसके भी बीच में आपको हल्दी का एक टुकड़ा लगाना है, तिलक लगाना है। और जो टुकड़ा आपने अपने पैसे टके में रखा है या सोने चांदी जहाँ कहीं भी रखा है उसके बीच में भी आपको हल्दी का एक तिलक लगाना है। ऐसे करने से ये हमेशा ऊर्जावान रहेगा और यह टुकड़ा अपने आप आपके घर में पैसों को, रुपयों को खींचता रहेगा और आपके घर में पैसा अपने आप आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।